कॉन्फिडेंट रहें, आपको कोई खाएगा नहीं, आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। आप ये सोच के ना आए कि ये जिंदगी की आखिरी नौकरी है, इसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूँ, नए नए कंपनियों के बारे में बताता हूँ। तो अभी इस समय हम एक कंपनी में हैं और यहाँ पे हायरिंग स्टार्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, मेल हो, फीमेल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना, सैलरी क्या मिलेगा, इंटरव्यू क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कहता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला। बस हमारी एक ही पहल होती है, लोगों को रोज़गार मिल पाए, जो भी हमारे भाई बेरोज़गार हैं। खासतौर से ये जो वैकेंसी एज ए लोकल के लिए है, जो हमारे भाई आसपास के हैं वो आ सकते हैं, अदरवाइज जो बाहर के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर अप्लाई करना चाहें तो। सैलरी क्या मिलेगी, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सभी को पता है कि हम जॉब के साथ साथ विश्वास भी देते हैं, बिना करे बकवास वीडियो करते हैं, फटाफट से स्टार्ट। तो सबसे पहले सर, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छा। कंपनी का क्या नाम है सर? सर, कंपनी का नाम है आई एक्सपर्ट, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वैसे हमारी कंपनी का पूरा नाम है इन्फिनिटम एक्सपर्ट्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा सेक्टर 2 में हम लोग लोकेटेड हैं। नोएडा बेस्ड ही कंपनी है। हम लोग इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में डील करते हैं। और हम लोग जो हायर करते हैं वो रिलेशनशिप ऑफिसर हायर करते हैं, जिसका काम कस्टमर को एक इन्फॉर्मेशन देना होता है, अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हम लोग बेसिकली फ्रेशर कॉलर्स ही हायर करते हैं, जो 10+2 पास आउट अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट्स हैं, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जो हिंदी में भी अच्छा बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बात करें, इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर की नॉलेज मैंडेटरी है, क्योंकि हमारा एक पूरा सिस्टम है, डायलर सिस्टम है, उस पर कंप्यूटर पर सारा काम होता है, CRM है, तो सारी फीडबैक्स वगैरह उस पर अपडेट करनी होती है। तो हम लोग इस प्रोफाइल के लिए ही एम्प्लॉइज़ हायर करते हैं। कोशिश करते हैं कि दिल्ली NCR के ही बच्चे हों, ज़्यादा दूर के बच्चे ना हों, क्योंकि जो हमारा सैलरी रेंज है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि UP और बिहार के से आए बच्चे और यहाँ सर्वाइव कर सके। अगर वो कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए अंडर ग्रेजुएट्स की जो सैलरी 15,000 है और जो ग्रेजुएट है 16,000। सैलरी जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले जो कन्वर्सेशन हो रही थी, सैलरी की कोई लिमिटेशन नहीं है, 21,000 भी है, 22,000 भी है, 25,000 भी है। क्या एक्सपीरियंस है, क्या कम्युनिकेशन है, क्या बैकग्राउंड है उसका, उसके बेसिस पे सैलरी ऑफर करते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है, अच्छा बोल पा रहा है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो हम लोग ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, उसके क्राइटेरिया पे 15,000 से 16,000 की सैलरी है। ये तो सिर्फ मैंने आपको सैलरी बताई, जो लीड जनरेट हो रहा है उससे जो सेल हो रहा है उससे इंसेंटिव्स भी आते हैं, तो इंसेंटिव भी बहुत अच्छा खासा होता है। वो टाइम टू टाइम हम लोग फ्लोर पे अनाउंस करते रहते हैं। इसके अलावा कॉन्टेस्ट रन करते हैं, जिसके अंदर हम टूर पैकेजेस ऑफर करते हैं, जैसे मनाली, शिमला, नैनीताल, इन जगहों के लिए हम बच्चों को एक ऑफर करते हैं, ताकि एक बच्चा ईजनेस भी रहे, प्रेशर उस पर हल्का रहे, ज़्यादा प्रेशर ना रहे काम का, ईज़ ऑफ भी करते हैं बच्चों के साथ। तो ये प्रोफाइल और ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं। ऑफिस की टाइमिंग हमारी जनरल टाइमिंग है, अपने 9:30-6:30 की टाइमिंग है। संडे ऑफ रहता है, किसी संडे अगर हम वर्किंग हो गए तो उसके अगेंस्ट हम छुट्टी देते हैं बच्चों को, कि ताकि वो कंपनसेट हो सके। तो एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है? एज क्राइटेरिया देखो 18-25 है, अगर 26-27 का भी है तो हम रख लेते हैं कि वो कैसा है, क्या बैकग्राउंड है उसका, तो उस चीज़ पे हम रख लेते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम 18-25 का ही प्रिफर्ड कर दें। मेच्योरिटी थोड़ी सी रहनी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वाली बात करें तो बड़ा ग्रूम्ड बच्चा आना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू के लिए आते हो, कोई आता है तो आप फॉर्मल ड्रेस में आओ, आपके जो आपकी शेविंग है वो ट्रिम्ड रहनी चाहिए, आपके हेयर अच्छी तरह कट होने चाहिए। तो इस तरह से आप सोच समझ के आएँ और अच्छी तरह प्रेजेंट करें अपने आप को, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इसमें। वैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो रिज्यूमे अपना अच्छे से बिल्ड करो, फाइल में लेके जाओ, एक फॉर्मल ड्रेस में रहो, शूज़ पहन के जाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो सर को, मैंने सर ने पहले ही बता दिया। अच्छा सर, इसमें जरूरी है कि आप जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर्मल ड्रेस में हैं, आप नीट एंड क्लीन ड्रेस पहने हुए हैं, आप शूज़ आपके पॉलिश्ड हैं, आप अपने रिज्यूम को अपने फोल्डर में रखा हुआ है, तो आपका 50% जो इंटरव्यू है ना, वहीं क्लियर हो जाता है। आप और कॉन्फिडेंट रहें, आपको कोई खाएगा नहीं, आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। आप ये सोच के ना आए कि ये जिंदगी की आखिरी नौकरी है, इसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी।
ऐसा अच्छे बहुत बहुत जॉब्स पड़ी हैं, लेकिन आपको हर एक इंटरव्यू अगर आप फेल होते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा और मोटिवेट भी करेगा कि ऐसा क्या रहा मेरे इस इंटरव्यू में कि मैं नहीं क्लियर कर पाया हूँ। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा किसी भी इंटरव्यू से। तो आप ये सोच के ना आए कि मेरा रिजेक्शन हो जाएगा, जब ये आप सोच लेते हैं मन में तो घबराहट हो जाती है और घबराहट में वो इंटरव्यू पूरा ख़राब हो जाता है। आपके आवाज़ में ना वो गर्माहट नहीं रहती है और आप अपने बिल्कुल वार्मथ के साथ वो आप बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा, सोच लोगे भाई घबराओगे तो भाई कहाँ से क्रैक कर पाओगे। अच्छा सर इसमें जो है 12th की हम बात करें, मिनिमम ट्वेल्थ होना चाहिए। ट्वेल्थ अगर ग्रेजुएट आप हो तो क्या सैलरी क्या होगी? ट्वेल्थ फ्रेशर की अगर ट्वेल्थ हो, अंडर ग्रेजुएट में हम कंसीडर कर लेते हैं 15,000 सैलरी है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो, ठीक है, तो वो 16,000 सैलरी है आपकी, ठीक है। और एक्सपीरियंस रिलेवेंट लेके आ रहे हो तो लास्ट सैलरी क्या आती है उस पर नेगोशिएट हम कर लेते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सिर्फ 16,000 ही मिलेगा। आप एक्सपीरियंस भी हो, एक्सपीरियंस भी मोस्ट वेलकम है। आप किसी भी बीपीओ के या इंश्योरेंस सेल्स बैकग्राउंड के हो, आप आते हो अब हमारे लाइन में, तो हम आपकी जो लास्ट सैलरी है उस पर हम लोग हायर करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हम लोग टीम लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर भी हायर करते हैं, तो आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट दैट शुड बी फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो हमारे बैकग्राउंड, इंश्योरेंस बैकग्राउंड के हों, लाइफ के हों, हेल्थ इंश्योरेंस के हों, टर्म इंश्योरेंस के हों, वो अप्लाई कर सकते हैं। और कोशिश यही रहनी चाहिए, या मैं रिक्वेस्ट करूँगा दिल्ली NCR के बच्चों को जो दिल्ली NCR में है, जो नोएडा सेक्टर 2 तक आ सकते हैं, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, बस की भी कनेक्टिविटी है, मेट्रो बहुत ईजी है। आपको मालूम ही है हमारे सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस है, कोई ज़्यादा कोई रिक्शा भी नहीं करना आपको, थोड़ा वो तो हाँ आ जाएंगे। हाँ एक बार बताइए इसमें कैसा प्रोसेस क्या होता है, काम क्या होता है वैसे अगर हम बात करें? काम कुछ भी नहीं है, हमारे ऑटो डायलर सिस्टम लगा है, कॉल्स आती हैं हमारे पे, वेरीफाइड कॉल्स होती हैं, कस्टमर आपसे क्वेरी करता है और आप उसको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को बताते हो, आप उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कोई सेल पिच नहीं करनी, आप उनको सिर्फ समझाना है। अगर वो वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ सर मुझे ये लेना है, तो आपको वो कॉल ट्रांसफ़र करना है सेल्स टीम को, आपका काम वहीं ख़त्म है। जैसे ही आपका कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ये लेना है, तो आपको उसकी डिटेल शेयर करनी है सेल्स टीम के साथ, आपका काम ख़त्म, आपका ड्यूटी ओवर हो गया, वहाँ से आप नेक्स्ट कॉल के लिए मूव हो जाइए। इतना ही, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो उनका जो डिटेल है वो आपको अपने सीनियर को फॉर्म को ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपका काम ख़त्म, आप अगले कॉल पे मूव हो जाइए। तो सर से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अप्लाई करने के लिए लिंक मैं दे दूंगा या तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अभी इस समय हम नोएडा के सेक्टर 2 में बैठे हुए हैं और अभी मैं फ्लोर पे भी चलूँगा, फ्लोर का भी जो किस तरीके से इन्वायरमेंट है, वर्किंग कैसे होता है, काम कैसे हो रहा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखाने वाला। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं कैंपस जो जाता हूँ ये मैं अटेंड क्यों करता हूँ, ये सर से हमारी मुलाकात एज ए कैंपस में हुई थी, है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर का नंबर वहीं से हमने लिया, हमने कहा सर एक बार मैं आपके कंपनी में आऊँगा और यहीं आके प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, फिर वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर से बातचीत करके, और बहुत ही मैं ये देखो ये जो इंटरव्यू हो रहा है इसमें मैं एक अपॉर्चुनिटी और लेना चाहूंगा कि ये जो आप काम कर रहे हो ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा है और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, और आप कनेक्ट करा रहे हो निस्वार्थ भाव से, आप कनेक्ट करा रहे हो, किसी से पैसा नहीं लेना, किसी से कुछ नहीं करना, आप कनेक्ट करा रहे हो, इससे अच्छी कुछ चीज़ नहीं हो सकती है। तो आप ये काम करते रहें, इसी तरह की वीडियोस बनाते रहें ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ किया जा सके, लोगों को जॉब मिले। तो ये बहुत अच्छा है आपका जो यूट्यूब चैनल है, मैं भी लोगों को कहूँगा कि इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी नीडी को आप शेयर करें वो वीडियो, तो वो उसको मौका मिलेगा जॉब के लिए, तो वो कर सकता है। तो सर एक बार रिक्वेस्ट है थोड़ा सा, अगर आप परमिशन दें एक बार 2 मिनट का फ्लोर पे। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं, अभी हम फ्लोर पे आपको मैं फ्लोर का ओवरव्यू दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग काम करते हैं और कैंडिडेट कहाँ पर बैठ के वर्क करना, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों इस समय हम फ्लोर पे हैं जहाँ पे आपको बैठ के काम करना होगा। हमारे साथ एक कैंडिडेट एज ए एम्प्लॉई है जो कि इस कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं। किस तरीके से काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, प्रोसेस क्या होता है, सैलरी टाइम टू टाइम आती है कि नहीं, है ना, आई एक्सपर्ट के इनके क्या फीडबैक रहा है इस कंपनी को लेके। तो अभी जैसा कि मैं अभी फ्लोर पे हूँ, किस तरीके से काम हो रहा है वो मैं आपको ओवरऑल व्यू की दिखाऊँ, तो व्यू आप देख पा रहे होंगे। और हमारे साथ एक मौजूद है एज ए कैंडिडेट है जो कि अभी वर्किंग पे ही है। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। सत्यम नाम है मेरा। कहाँ का रहने वाला सत्यम? मैं दिल्ली से, यमुना विहार। अच्छा मयूर की बात है। हाँ मयूर। एज कितनी होगी सर आपकी? मेरी 21 है एज।
21 हो चुके हैं। तो आपने एज ए आई एक्सपर्ट को कब से ज्वाइन किया सर? ये 2-3 महीने हो गए अभी। 2 से 3 महीने हो गए, 3 महीने मान सकते हैं? हाँ। अगर बात करो इसमें क्या प्रोसेस क्या था इसमें ज्वाइन होने का? प्रोसेस तो सिंपल था, लाइक पहले इंटरव्यू हुआ था, वॉक राउंड हुआ था, उसके बाद ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस जॉब के नाम पे कोई सर ने पैसा कोई चार्ज तो आपसे नहीं लिया? कोई चार्ज नहीं लिया था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि मैं बता दूं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो जॉब मिलेगा 100% किसी को पैसा आपको नहीं देना। और हमारी एक ही पहल होती है जो भी हमारे भाई बेरोजगार हैं उनको जॉब दिलाना, अगर आपको भी जॉब की नहीं है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बेसिक आपका प्रोसेस क्या है सर, क्या करना होगा? यहाँ पर मेरे को इंश्योरेंस सेल करना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस सेल करना पड़ता है। कोई प्रेशराइज या टारगेट तो नहीं होता? टारगेट होता है बट इतना प्रेशर नहीं होता। प्रेशर नहीं होता, नहीं। टारगेट किस कितने टारगेट होते हैं, मतलब क्या होता है? लाइक जो स्टार्टिंग जो टारगेट होता है वो 50,000 का होता है, देन उसके बाद इंक्रीज होता रहता है। टारगेट जैसे अचीव करते रहते हो वैसे 20% इंक्रीमेंट होता है टारगेट पे। सर एक बात बताया, जैसे कि ये आउटबाउंड कॉल करना होता है या इनबाउंड रहता है या आउटबाउंड कॉल आती है? आउटबाउंड कॉल आती है, इनबाउंड नहीं रहता? नहीं नहीं, मतलब जितने भी कॉल्स आती है पिक बाउंड भी कभी कभी करते हैं ना, एक जो कस्टमर्स होते हैं फीडबैक फॉलोअप्स होते हैं सो उसको हमें डायल करना पड़ता है मैनुअली। तो कहने का मतलब ये कि मैं एज ए प्रमोशन करने आया हूँ, कंपनी की वीडियो बनाने आया हूँ, हमारे पास कैंडिडेट बहुत है जो कि इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आपकी आपकी 8 hours की क्या सैलरी है सर आपकी? सॉरी, सैलरी क्या है 8 hours की? 8 hours की सैलरी कोई इशू नहीं, जितना है उतना इंसेंटिव मिलता है। कैसे मिलता है उसका प्रोसेस? 15,000 है। 15,000? हाँ। कोई नहीं, क्या इंसेंटिव भी बीच बीच में मिलता रहता है? हाँ, इंसेंटिव मिलता है। 60 days के बाद होता है इंसेंटिव का प्रोसेस। लाइक आप सेल्स करते हो, आपका टारगेट अचीव हो जाता है, अगर आप अचीव करते हो टारगेट को तो आपको 1,000 होता है 70,000 को। ये लाइन ये सेक्टर बेस्ट है कैंडिडेट के लिए जो एज ए फ्रेशर है? बिल्कुल बिल्कुल, सेल्स तो बेस्ट ही है। आपकी कम्युनिकेशन कितनी बेस्ट हुई इस कंपनी को ज्वाइन करने के? कम्युनिकेशन तो इम्प्रूव हुई है काफ़ी, इससे पहले ही मैं वर्किंग था, एक्सपीरियंस था। तो लग रहा है कुछ इम्प्रूव हुआ है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सर से बातचीत करें बहुत अच्छा लग रहा है, और इस समय हम आई एक्सपर्ट कंपनी में भी है, और जो जैसा कि मैं बता दूं कि बस हमारी एक ही पहल होती है कि जो भी हमारे भाई बेरोजगार हैं उनको जॉब मिले, फ्री 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 में मिले। अगर आप भी जॉब करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, अप्लाई कर सकते हो। देन कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते दोस्त, बस पहल होती है दोस्त। और अगर आपको जॉब मिलता है तो समझो मेरे मेहनत का फल मुझे मिल गया। तो बड़ा मेहरबानी आप यहाँ पे आए, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को पैसा नहीं देना है। ड्रेसिंग सेंस पे आपको ध्यान रखना है, बॉडी लैंग्वेज पे आपको ध्यान रखना है, शूज़ पहन कर आना, हेयर स्टाइल आपको देखना है, रिज्यूमे अच्छे से बिल्ड करना है, और डायरेक्ट आपको आना है यहाँ पे इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के बाद देन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, खुद पे भरोसा रहोगे तभी कामयाब हो सकते, क्योंकि आज के रेट में अगर हम बात करें इंसान की कीमत नहीं इनके काम की कीमत है। धीरे बता दो, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, दूरा कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ उसके काम पे फोकस करता है आदमी, उसके काम से उसकी पहचान होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी। वीडियो पसंद है एक लाइक का चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई सरार को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नई नौकरी से, तक ही अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।